हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रिंपू आज आपके लिए एक नई पिक्चर लेके आई हूँ जो कि ऑस्कर विनिंग मूवी है। आज हम जो मूवी देखने वाले हैं वो ऑस्कर विनिंग अवार्ड मूवी है। आईएमडीबी पे इसकी रेटिंग 7.7% है और रॉटन टोमेटोज पे 92% फ्रेश। तो इस मूवी का नाम है द साइलेंट चाइल्ड। तो आज हम देखेंगे द मूवी साइलेंट चाइल्ड। मूवी शुरू होती है बहुत एक अच्छी सीनरी से, अच्छे व्यू से, चारों तरफ हरियाली, बीच में रास्ता, और उस रास्ते पे एक लड़की चला रही थी अपनी साइकिल अपनी मस्ती में। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, एक मॉर्निंग का सीन है जिसमें एक मदर जिसका नाम सुजेन है और फादर जिसका नाम पॉल है, और एक बेटा और बेटी, सब अपने अपने काम और स्कूल जाने की तैयारी में बिजी है, और सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और भागते हुए बाहर जाते हैं। बेटा पूछता है अपनी मदर से कि हेल्प कब आ रही है, मींस सोशल वर्कर जॉन, जो इनकी सबसे छोटी बेटी लिबी के देखभाल के लिए आ रही थी, क्योंकि छोटी बेटी इनकी लिबी डेफ एंड डम थी, वो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। पॉल और बच्चे निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने से जॉन आती है और पॉल कहता है, सुजेन अभी आ रही है पर हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, तुम उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट कर दो वे स्कूल जा सके। ये किसके बारे में बात कर रहा था? वो अपनी तीसरी बेटी लिबी के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, आपको यहाँ एज ए फादर उनका एटीट्यूड समझ आ गया होगा कि किसी को भी उस बच्ची की ज्यादा परवाह नहीं है, सब अपनी लाइफ में मस्त हैं और ना ही वे सोच रहे हैं कि ये बच्ची 100% कैसे ठीक हो सकती है। फादर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एकदम से चुप कर जाती है, मायूस हो जाती है। तभी सुजैन बताती है कि लिबी के पास हियरिंग एड पर है पर वो नहीं पहनती। जॉन सुजन से लिबी के बारे में सब कुछ पूछती है कि इसको प्रॉब्लम कब हुई या फैमिली में भी कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी। तो सुजैन बताती है कि 3.5 years की जब ये हुई तो हमें पता चला कि ये सुन नहीं सकती। जॉन पूछती है, क्या कभी आपने साइन लैंग्वेज का यूज किया? सुजैन मना करती है और बताती है सिर्फ लिप रीडिंग की हमने उसके लिए ठीक समझी, और लिबी से मिलवाती है। हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, लिबी टीवी देखने में मस्त थी और किसी से मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि कोई भी उसकी बात को नहीं समझता था और ना ही वो किसी की बात को समझ सकती थी। जॉन के साथ भी शुरू शुरू वाले दिन लिबी बिल्कुल चुप सी, साइलेंट सी बैठी रहती, ना ही हंसती, ना ही कोई बात करती और ना ही कोई इमोशंस दिखाती, पर धीरे धीरे जॉन के प्यार में वो कनेक्ट करने लगती है। जॉन सुजन को बताती है कि उसे ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, और नेक्स्ट डे जॉन उसको सिखाने के लिए बुक्स लेके आती है। हम देखते हैं डाइनिंग टेबल पर सारी फैमिली बैठी है और सब अपनी मस्ती में बातें कर रहे हैं। वह प्यारी सी नन्नी सी बच्ची उनकी लिप रीडिंग करने की कोशिश कर रही है, उनकी लिप्स की मूवमेंट को देख रही है और इतनी गुमसुम सी बैठी है कि हमें देख के भी दिल को दुख पहुंचता है। और जॉन उसको फिर बाद में पार्क में लेके जाती है, डक्स के साथ इंटरेक्ट करवाती है। अब धीरे धीरे जॉन की मदद से लिबी साइन लैंग्वेज सीखती है और अपनी बात जॉन से करती है, हाथों का यूज कैसे करना, अपने इमोशंस का कैसे, सब जॉन उसको सिखाती है। और यहाँ हम देखते हैं उस बच्ची को खुश होते हुए जो अभी तक की मूवी में हमने पहले नहीं देखा। इवन अब तो वो खेलती भी है और इंजॉय भी करती है। सुज सब देखती है और जॉन से कहती है, मुझे नहीं लगता कि साइन लैंग्वेज बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस लैंग्वेज के लिए उसे हमेशा कोई मीडिएटर चाहिए होगा जो उसकी साइंस को समझ सके, मींस वो लिबी को एक नॉर्मल जैसे चाहती थी। और जॉन कहती है कि वो नॉर्मल है, सिर्फ डेफ है, हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना है ताकि वो भी नॉर्मल लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। जॉन सुज को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो लिप रीडिंग को इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही, इसीलिए वो सबसे अलग रहती है और चुप रहती है और उदास रहती है। पहले उसे साइन लैंग्वेज के साथ कम्फर्टेबल होने दे, फिर वो आगे सब सीख जाएगी। पर सुज सिर्फ एक ही बात पर अड़ी हुई है, स्पीच थेरेपी। वो सिर्फ स्पीच थेरेपी पर ही जोर देती है और आगे से सुज जॉन को आने से मना कर देती है, और लिबी की जो एक कनेक्शन था वो भी टूट जाता है।
और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने लिबी को नॉर्मल स्कूल में एडमिट करवा दिया। आगे हम देखते हैं कि जॉन परेशान सी जल्दी जल्दी कहीं जा रही है और वो जाती है लिबी के स्कूल। वहाँ हम देखते हैं क्लासरूम से सारे बच्चे बहुत हंसते खेलते हुए शोर मचाते हुए क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं और लिबी उदास सी एक दीवार के साथ चुप खड़ी हुई है। जॉन देखती है और लिबी उसे साइन लैंग्वेज में कहती है आई लव यू, और जॉन ये देखकर उदास होकर वहाँ से वापस चल देती है। और एंड इसका हमें ये मैसेज देता है कि हर बच्चा और उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, जब तक हम इनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी से ज्यादा बच्चे क्या चाहते हैं उनकी भावना को समझना चाहिए। उनको समझे बिना जो भी किया जाएगा वो उन्हें खुशी से ज्यादा दुख ही पहुँचाएगा। द बेस्ट वे टू मेक चिल्ड्रन गुड इज टू मेक देम हैप्पी। नन्हे तारों को खुश रखें, उनका ध्यान रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशी दें। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।